ये है 350 सीसी की राजा बाइक ऑल न्यू रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 हेल्सियन ग्रे कलर 2023 मॉडल। इसके फीचर्स क्या हैं, माइलेज क्या है, ऑन रोड कीमत कितनी है और साथ में बुलेट 350 नेक्स्ट जनरेशन कब आने वाली है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक पूरा देख। सबसे पहले बाइक के फ्रंट लुक से स्टार्ट करते हैं तो ऊपर में आपको दो छोटे छोटे हेलोजन पायलट लैंप देखने को मिल जाते हैं और इसका जो वाइजर है वो आपको फुल क्रोम मेटल बॉडी में देखने को मिलता है। हेलोजन यहाँ पर आपको हेडलाइट मिलती है। सबसे पहले मैं इंजन को यहाँ से ऑन कर देता हूँ। अगर देखा जाए तो बुलेट 350 और स्टैंडर्ड बाइक के मुकाबले इसकी जो हेडलाइट की जो विजिबिलिटी है वो आपको इस बाइक में काफ़ी बेहतरीन देखने को मिलती है। तो रोशनी के मामले में इस बाइक में आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। हैजार्ड के साथ यहाँ पर आपको हेलोजन टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं और साथ में आपको आगे वाला जो मडगार्ड है वो आपको सेंटर में थोड़ा सा क्रीमी कलर मिलता है। यहाँ पर आपको डार्क कॉपर कलर मिलेगा, बाकी साइड में आपको थोड़ा सा ग्रे कलर मिलता है। ग्लॉसी फिनिश के साथ फुल मेटल बॉडी का मडगार्ड मिलता है। 41 mm के टेलीस्कोपिक फॉर्क मिल जाते हैं और सेफ्टी की अगर हम बात करें तो 300 mm की डिस्क मिलती है जिसमें आपको वाइब्रे के कैलिपर और यहाँ पर आपको मिलता है 190/19 का टायर। ये जो टायर है वो आपको ट्यूबलेस नहीं मिलता, ये जो टायर है वो आपको मिलते हैं ट्यूब वाले जिसमें आपको 19 इंच का आगे में फ्रंट में स्पॉक व्हील दिया गया है। अगर आप स्टेल्थ ब्लैक लेते हैं तो उसमें आपको एलो व्हील का ऑप्शन मिल जाता है। क्लासिक 350 रिवॉन का ये एक ऐसा इकलौता कलर है जो कि सबसे ज़्यादा हाईलाइट माना जाता है। नीचे में क्रोम और ऊपर में ग्लॉसी फिनिश को शामिल किया गया है। फ्यूल टैंक के सेंटर में मैरून कलर का रॉयल एनफील्ड का 3D में लोगो दिया गया, बाकी सेंटर में आपको मिलता है थोड़ा सा क्रीमी कलर का ग्राफिक्स और ये जो पट्टी है वो आपको मिलती है डार्क कॉफी कलर में। फ्यूल टैंक के दोनों साइड में आपको रबर के टैंक पैड मिल जाते हैं और 13 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। माइलेज की बात करें तो 30 से 32 का लोकल में देती है और ये बाइक हाईवे पर आपको आसानी से 35 से 40 किलोमीटर प्रति लीटर का 1 लीटर में माइलेज निकाल कर देती है। क्रोम की यहाँ पर आपको हैंडल बार मिलती है। चाबी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको वेव की मिल जाती है रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग के साथ। इसमें दिया है सेमी डिजिटल मीटर कंसोल, यही कंसोल आपको मिलेगा ब्लेड 350 नेक्स्ट जनरेशन आने वाले मॉडल में। यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर, गियर न्यूट्रल इंडिकेटर, हेडलाइट, लो फ्यूल, चेक इंजन, ABS, लो बैटरी और यहाँ पर फ्यूल गेज मिल जाता है डिजिटल में। सबसे अच्छी बात है जो आपको स्टैंडर्ड में नहीं मिलते ये सारे फीचर्स, इको इंडिकेटर, डिजिटल क्लॉक मिल जाती है, ऑडोमीटर, ट्रिम मीटर, ये सब चीज़ें भी यहाँ पर आपको मिलती हैं। बाकी यहाँ पर आपको GPS नेविगेशन लगाने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। इसके जो मिरर हैं वो आपको क्रोम में मिलते हैं जबकि स्टेल्थ वाले एडिशन में आपको ब्लैक कलर के मिरर मिलते हैं। इसके जो लीवर हैं वो आपको एल्यूमिनियम की फिनिशिंग के साथ मिलते हैं। यहाँ पर आपको अपर डिपर, पासिंग इंडिकेटर ऑन, बाकी क्रोम के यहाँ पर आपको थोड़े से बार एंड मिलते हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर आपको मिलता है इंजन किल, सेल्फ स्टार्ट और नीचे में हैजार्ड का बटन। तो चलिए ये है इस बाइक का इंजन का साउंड, यही इंजन, यही साइलेंसर और यही चेसिस आपको मिलेगा बुलेट 350 नेक्स्ट जनरेशन में, सेम यही साउंड आपको मिलेगा। बाकी सीट कंफर्ट की अगर हम बात करें तो इसमें स्प्लिट सीट मिल जाती है, इसमें आपको काफ़ी अच्छी कुशन मिल जाती है बुलेट 350 के मुकाबले और इनकी जो सीट है वो काफ़ी सॉफ्ट है। पीछे में आपको मेटल बॉडी का ग्रैब हैंडल मिल जाता है और यहाँ पर रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग मिलती है। यहाँ पर क्रीम कलर, डार्क कॉफी कलर, यहाँ पर आपको थोड़ी सी ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन, यहाँ पर आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश, यहाँ पर थोड़ा सा क्रोम का ट्रीटमेंट और LED यहाँ पर आपको टेललाइट मिलती है। हैलोजन टाइप के टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें LED वाले इंडिकेटर भी लगवा सकते हैं जो 4,500 के आसपास लगते हैं। इसमें आपको मिलती है 800 mm की सीट हाइट और यहाँ पर दिया है क्लासिक 350 का स्टीकर ड्यूअल टोन कलर में। इसका जो साइलेंसर है वो स्टैंडर्ड 350 बाइक के मुकाबले थोड़ा सा छोटा है, लेकिन एक बात इसकी अच्छी है कि इसमें जो साउंड है वो स्टैंडर्ड से काफ़ी अच्छा निकल के आता है। यहाँ पर दिया है इसका कैटेलिटिक कन्वर्टर जो कि पूरी तरह से प्रोटेक्ट है और यहाँ पर इसका बेंड पाइप है जो कि फ्लैट है। ये है इसके ब्रेक पैड, एडजस्टेबल फुटरेस्ट। इसमें आपको किक स्टार्ट नहीं मिलता है, रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग मिल जाती है और आने वाली 350 नेक्स्ट जनरेशन में भी आपको जो है वो किक स्टार्ट नहीं मिलेगा। जबकि डार्क स्टेल्थ ब्लैक कलर में सब कुछ आपको ब्लैक कलर का मिलता है। इसमें आपको इंजन गार्ड और क्रैश गार्ड नहीं मिलता है, ये एक एक्सेसरीज का पार्ट है। तो इंजन गार्ड आपको पड़ता है 3100 रुपये का और क्रैश गार्ड आपको पड़ता है एयरफ्लाई वाला 3600 रुपये का। इंजन और पावर की अगर हम बात करें तो इसमें दिया है 349 सीसी का एयर एंड ऑयल कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक
EFI इंजन। ये इंजन 20.2 BHP की पावर देता है 6100 RPM पर, 27 Nm का टॉर्क पैदा करता है 4000 RPM पर। पहली बात तो ये है कि इसका जो इंजन है वो बहुत जल्दी हीट नहीं होता है, लेकिन जो बुलेट 350 आती है उसका जो इंजन है वो 2-4 किलोमीटर के बाद ही हीट होने लगता है। दूसरी बात ये है कि इसमें आपको ट्विन क्रेडल फ्रेम मिलता है, जिसकी वजह से इसमें आपको वाइब्रेशन की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही कम माइनर सी देखने को मिलती है। लेकिन वहीं पर जो पुरानी वाली बुलेट 350 ES वाला ये जो वेरिएंट है, इसमें आपको सिंगल क्रेडल वाला फ्रेम मिलता है, मतलब ये जो इंजन है वो पूरा का पूरा एक ही पाइप पर टिका हुआ है, जिसकी वजह से इस बाइक में आपको वाइब्रेशन की बहुत ज़्यादा फीलिंग देखने को मिलती है। इंजन भी बहुत जल्दी हीट होता है, लेकिन जो बुलेट 350 नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है उसमें आपको क्लासिक 350 के सारे फीचर्स मिलेंगे, तो उसमें बहुत सारे आपको फीचर्स मिलेंगे, तो प्राइस भी काफ़ी कम रहने वाला है। और वो जो बाइक है वो आपको लगभग मिल जाएगी, अप्रैल से जून के आसपास लॉन्च हो जाएगी। बाकी अगर आप चाहें तो इस वाले बॉक्स में आप अपने बाइक के डॉक्यूमेंट को आसानी से कैरी कर सकते हैं। और इसके दूसरे वाला जो बॉक्स है इसको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ, तो इस वाले बॉक्स के अंदर में आपको एक्साइड की बैटरी देखने को मिल जाती है, और यहाँ पर थोड़े बहुत फ्यूज के बॉक्स दिए गए हैं छोटे छोटे, और साइड में आपको टूल किट और फर्स्ट एड किट इसी बॉक्स के अंदर आपको देखने को मिलती है। अगर हम इसकी टॉप स्पीड की बात करें तो इसमें आपको लगभग 125 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास टॉप स्पीड मिल जाती है। इंजन इसका काफ़ी रिफाइन है। और सबसे पहले हम इसके दूसरे साइड की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पर आपको मिलता है एक हैंडल जिससे आप इस बाइक को मेन स्टैंड पर खड़ा कर सकते हैं। कंपनी फिटेड ब्लैक कलर का मेटल बॉडी का काफ़ी मजबूत यहाँ पर आपको साड़ी गार्ड मिल जाता है लेडी पिलियन की सेफ्टी के लिए। इस बाइक के रियर में आपको 280 mm की लगभग आसपास डिस्क ब्रेक मिल जाती है, और यहाँ पर 120/80/18 का ट्यूब वाला टायर मिलता है। इसमें ट्यूबलेस टायर नहीं आते हैं, क्योंकि पीछे में 18 इंच का तिल्ली वाले तान जो मतलब कि रिम होती हैं वो दिए गए हैं। बाकी जे सीरीज का यहाँ पर आपको न्यू इंजन मिलता है। इसमें आपको थोड़ी सी मेंटेनेंस के लिए पॉलिश करानी पड़ेगी टाइम टू टाइम। और 5-speed गियरबॉक्स मिलता है, क्रोम का यहाँ पर आपको मिलता है साइड स्टैंड विद इंजन कट ऑफ सेंसर के साथ। बाकी ये जो डार्क स्टेल्थ ब्लैक कलर है इसमें सब कुछ आपको क्रोम का नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा ब्लैकआउट देखने को मिलता है। तो प्राइस की बात करें तो क्लासिक 350 हेल्सियन ग्रे ब्लैक एंड ग्रीन कलर की एक्सोरूम कीमत है 1,98,971 रुपये, और ऑन रोड कीमत है 2,30,690 रुपये। स्टैंडर्ड 350 की ऑन रोड कीमत है 1,84,896 रुपये। बुलेट 350 इलेक्ट्रिक स्टार्ट की ऑन रोड कीमत है 1,94,505 रुपये, और क्लासिक 350 गन मेटल ग्रे कलर और डार्क स्टेल्थ ब्लैक कलर की एक्सोरूम कीमत है 2,17,590 रुपये, ऑन रोड कीमत है 2,51,335 रुपये। ये ऑन रोड कीमत की जानकारी मैंने आपको बताई है, शोरूम की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।